नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल के दाऊदपुर स्थित निवास पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न योजना और कार्य पद्धति को जन जन तक पहुंचाना और प्रत्येक घर पर जाकर अपनी पार्टी का झंडा लगाकर पार्टी से जोड़ना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर विधायक की पत्नी रागिनी अग्रवाल और नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा, जिंदाबाद। विधायक कैसा हो? राधामोहन जैसा हो। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी को लेके देखिए, मोदी जी और योगी जी, मोदी जी जिन्होंने जो किया है हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, अब तक के जो सरकार थे सब तो करप्ट थे, सब लोग अपना अपना घर बने, अपने स्वार्थ की राजनीति किए। मोदी जी जो है हमारे हमारे देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं, बस उसी को देख के उन्हीं को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, उन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। बस यही हम लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे अच्छा है। हम सबको इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के अंग हैं जिसकी सोच, जिसके विचार और जिसकी कार्य पद्धति में सिर्फ और सिर्फ देश है। आज पूरे देश में, देश के सभी नगरों में, सभी गांवों में, सभी कस्बों में, सभी टाउन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं अपने घर पे और साथ में अपने आसपास के क्षेत्रों में घरों घरों में जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएं, उन्हें अपने विचारों के साथ सम्मिलित करते हुए उनके माध्यम से उनके घरों में झंडे लगवाएं, वो स्वयं अपने हाथों में लेकर अपने घर पर भाजपा का स्टिकर छिपाएं। इसी दृष्टि से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लिया गया है। इसी के हिस्से के रूप में आज गोरखपुर में, चूंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो हमारे घर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। अब आगामी एक सप्ताह के भीतर हमारे कार्यकर्ता इस पूरे वार्ड और पूरे नगर में घूम करके हर जगह परिवार परिवार में इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।